हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। यहाँ पर आप लोग अपडेट्स देख पा रहे होंगे, काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। इन सभी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। यूपी स्कॉलरशिप के साथ साथ टैबलेट स्मार्टफोन के बारे में अच्छी अच्छी अपडेट्स आ रही हैं। आचार संहिता में फंस सकता है टैबलेट वितरण, और क्या किसी भी जिले में अब टैबलेट का जो वितरण है वो नहीं किया जाएगा। यूपी टेट से संबंधित काफ़ी सारी अपडेट्स आ चुकी हैं ऑफिशियली, देखने वाले हैं सभी अपडेट्स को। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर डेली ही मॉर्निंग में मैं आप लोगों के लिए अपडेट्स लेकर आता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग 5 से 7 मिनट का देख लेते हैं तो आपको दिन के अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी न्यूज़पेपर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप एक छात्र हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए यहाँ पर ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट आती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट की परीक्षा को लेकर। क्या ये जो परीक्षा है वो टल चुकी है? 28 नवंबर को ये पहली परीक्षा होनी थी, अब फिर 23 जनवरी इसकी डेट कर दी गई थी, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए। अब यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट की तरफ बढ़ लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या अपडेट्स आ रही है। यहाँ पर देखिए, ये है पंजाब केसरी यूपी का ऑफिशियल फेसबुक पेज, जिसके ऊपर शाम को ही ये अपडेट कर दिया गया था, और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दिया था टेट की परीक्षा टल सकती है। 23 जनवरी को होने वाली यूपी टेट की परीक्षा बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है। पूरे प्रदेश में 21 लाख छात्रों को परीक्षा देनी है, जिसमें 13 लाख यूपी टेट प्राइमरी की और 8.90 लाख छात्र जूनियर लेवल की परीक्षा के लिए खुद को रजिस्टर किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि परीक्षा को टाला जा सकता है या इसे रद्द भी किया जा सकता है। फिलहाल सरकार की तरफ से अभी तक कोई आदेश नहीं आया है और इस आदेश की जो है प्रतीक्षा की जा रही है। अभी देखिए, यहाँ पर ये सभी कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण जो है फैलता ही जा रहा है, और अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ऑफिशियली काफ़ी सारी चीज़ें की जा रही है प्रदेश के अंदर, तो इस सब चीज़ों को लेकर इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 23 जनवरी को भारी संख्या में छात्रों की परीक्षा है और एक ही दिन परीक्षा है, तो सेंटर्स पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो उससे संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो यूपी टेट की परीक्षा है ये क्वालिफाइंग है, आप लोग एक बार परीक्षा देते हैं और जीवन भर आप इस सीधे ही सुपर टेट में बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी तक वैकेंसी कोई आई नहीं है, तो ये वाली परीक्षा तो कभी भी कराई जा सकती है। तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ देखी जा रही है। दूसरा चीज़ ये है कि जो सेंटर्स हैं वो घटा दिए गए हैं पहले से, आप लोगों ने मैंने आप लोगों को अपडेट भी किया है, तो सेंटर्स घटाए गए हैं। इसका मतलब कि एक सेंटर में जो विद्यार्थियों संख्या पहले थी उससे अब ज़्यादा ही होने वाली है, तो उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं एक और अपडेट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की तरफ से ऑफिशियली ये ट्वीट किया गया है। वाराणसी में कोरोना की वजह से लगाए गए प्रतिबंध, शाम 4 बजे से गंगा घाट और पार्क जाने पर रोक। मतलब 4 बजे से ही कोई भी अब नहीं जा सकेगा, एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मिनी लॉकडाउन टाइप का कह सकते हैं इसको। एक और अपडेट ये देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए, ये सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ये ट्वीट किया गया था। कोविड में बदलती परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश भर के अंदर जनपदों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू का जो है प्रभावी किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यूपी टेट के जो परीक्षा है वो शाम तक चलने वाली होती है, क्योंकि आप जो लोगों ने जूनियर का भी डाला होता है और प्राइमरी का भी डाला होता है, शाम को 5 बजे तक खत्म होगी वो परीक्षा, 5 बजे से लेकर। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके जो सेंटर होते हैं वो शहर के बाहर जाते हैं, तो वो 6 बजे से यहाँ पर रातकालीन कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। तो ये भी सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब देखते हैं कि ऑफिशियल अपडेट कब तक आता है। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा वीडियो के माध्यम से या फिर नाम पर आकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहां पर बन रही, मैंने सारी चीजें आपके सामने साफ कर दी। अभी तक ऑफिशियल अपडेट कोई नहीं आया है, बाकी कयास लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा ये रद्द की जा सकती है। ठीक है, देखिए मैंने कल आपको एक अपडेट दिया था जिसमें कि बताया था कि जो टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण है वो एक अपडेट आ रहा था बागपत की तरफ से। यहाँ पर ये फरुखाबाद की तरफ से भी अपडेट आ रहा है, ये कल के न्यूज़पेपर की खबर है। आचार संहिता में फंसा नमक तेल और नहीं मिलेगा टैबलेट स्मार्टफोन। ये देखिए, पैकेटों पर योगी मोदी का फोटो होने से नहीं बट पाएंगे, गोदाम में 50% ही राशन का उठान यहाँ पर किया गया है। देखो अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग वितरण, ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि ये देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया है कि आचार संहिता का रोड़ा लग गया है। ये चना तेल नमक ये कोई भी यहाँ पर बांटे नहीं जा सकते हैं। ये देखिए आगे यहाँ पर देखिए, इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण शुरू किया जाना था, इसके लिए जिलों में 34,352 छात्रों की सूची शासन को भेजी गई थी। इसमें कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें 200 छात्रों को मोबाइल और टैबलेट और स्मार्टफोन दिया गया था। ठीक है, जबकि जिले के शेष 34,152 छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन दिया जा रहा है, लेकिन आचार संहिता के पेंच में फंस गया है। यहाँ पर ADS सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया है कि जिले में अभी तक मोबाइल व टैबलेट फोन प्राप्त नहीं हुए, वितरण से संबंध
में अभी वितरण के संबंध में अभी कहना कुछ भी मुश्किल है। तो यहाँ पर ये है अपडेट फर्रुखाबाद की तरफ से। तो कह सकते हैं कि देखो दो जिलों की तरफ से अपडेट आ चुकी है, बागपत की तरफ से भी आ चुकी है और यहाँ पर फर्रुखाबाद की तरफ से भी आ चुकी है। अभी कौन कौन से जिलों में टैबलेट स्थान को नहीं बटने हैं और कौन कौन से जिलों से अपडेट आना बाकी है वो जैसी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये अपडेट आ रही है कि यहाँ पर मिलेंगे नहीं, बागपत की तरफ से भी ये अपडेट आई थी कि वहाँ पर भी नहीं मिलेंगे। अब देखो मैंने एक आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था, देखिए मैंने ये बताया था आपको है ना, यहाँ पर बांदा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये अपडेट आया था जिसमें कि 11 तारीख से 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख और 14 तारीख को ये टैबलेट स्मार्टफोन का जो वितरण है वो किया जाना है, भिन्न भिन्न जो है स्थानों पर यहाँ पर ये वितरण किया जाना है। तो किसी किसी जिले से अपडेट आ रही है कि वहाँ पर नहीं दिया जाएगा आचार संहिता के कारण, किसी किसी जिले से अपडेट आ रही है कि वहाँ पर पूरा पूरा दिया जाने वाला है, लिस्ट भी आ चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, इवेंट का प्लेस भी फिक्स हो चुका है। तो ये अभी ये नहीं कह सकते हैं कि सभी जिलों में ये सारा काम हो रहा है। जहाँ जहाँ पर टैबलेट स्मार्टफोन पहुँच चुके हैं, जहाँ पर जो जितनी छात्रों की संख्या उतनी पहुँच चुकी है तो उनको तो मिलने ही मिलेंगे, ठीक है। और ये अपडेट्स आपको आ रही है रेगुलर, मैसेज भी आ रहे हैं आपको रेगुलर, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपके जिले से जब अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। ये देखिए ये है स्कॉलरशिप को लेकर यहां पर अपडेट, कक्षा 9 और 10 के 22,000 छात्र पात्र छात्र नहीं पा सकेंगे वजीफा। यहां पर देखिए बताया गया सामान्य वर्ग के कक्षा 9 व 10 के 22,000 पात्र छात्र वजीफा नहीं पा सकेंगे, बजट की कमी के चलते स्थिति आई है। यह वर्ग के कुल 1.38 लाख छात्रों को 25 करोड़ का भुगतान किया गया है। प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देती है। इस मद में पूर्व दशम कक्षाओं में सामान्य वर्ग के लिए 25 करोड़ रुपए के जो बजट है उसका प्रावधान किया गया था, लेकिन कक्षा 9 और 10 में कुल 1.60 लाख छात्र योजना का लाभ ले पाए हैं, ठीक है। लेकिन समाज कल्याण विभाग के अनुसार उपलब्ध बजट में पात्र छात्रों में से 22,000 छात्र भुगतान से वंचित रह गए हैं। यह रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। उधर दसवोत्तर कक्षाओं का भी भुगतान की जो प्रक्रिया अभी भी जारी है, आपको पता है कि रेगुलरली आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आज आ रही है और तीसरे चरण का जो भुगतान की स्थिति में 1-2 दिन में साफ हो जाएगी तीसरे चरण में जो भुगतान किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। जिलों को 10 दिन अभी तक भरना है, ठीक है, वो तीसरे चरण का है। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भुगतान का एक चरण और चलेगा, मतलब चौथा चरण और चलाया जाएगा। इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10 जनवरी, ये चौथे चरण की जो अंतिम तिथि है वो 10 जनवरी है, ठीक है, ये तीसरा चरण नहीं है, ये चौथा चरण है, ठीक है। तो ये अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर बजट रहा तो आप सभी लोगों को तीसरे और चौथे चरण के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने तीसरे और चौथे चरण में अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है उनको मिलेगा। अगर बजट नहीं रहा तो आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। फिर आप आगे देखते हैं क्या अपडेट आता है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत ही अपडेट करता जाता हूँ हर चीज़ के बारे में। ये देखिए यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अपडेट थी वो यहाँ पर ये है। पहले चरण में 2000 टैबलेट और स्मार्टफोन ही आए हैं। ADM प्रोटोकॉल के यहाँ से शिक्षण संस्थानों को 1,750 उपलब्ध करा दिए गए, 250 ही रह गए। यहाँ पर देखिए ये आपको मैंने बताया भी था, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनका वितरण किया गया था। बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूरम ने बताया कि उनके यहाँ 400 छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन दिए गए थे, इसमें से करीब 100 का वितरण किया जा चुका है, बाकी का वितरण सोमवार को किया जाएगा, यानी कि कल किया जाएगा, आज किया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई की भी सोमवार से शुरू करा दी जाएगी। सेंट जॉर्ज कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि कॉलेज के स्नातक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले 205 छात्र छात्राओं को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के द्वारा जो है स्मार्टफोन दिया गया था। इसके बाद कॉलेज में प्राय स्नातक 160 छात्र स्नातक के छात्राओं को और 109 छात्र छात्राओं को टैबलेट दिया गया था, इनको स्मार्टफोन और बाकी इनको टैबलेट दिया गया था, स्मार्टफोन दिया गया था, इसका वितरण किया गया था, कर दिया गया है। करीब 15 छात्र छात्राएं नहीं पहुंचे थे, उनको बुलाकर दे दिया जाएगा, उनको मैसेज पहुंच रहा होगा, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाई का कार्यक्रम भी यहां पर स्टार्ट हो चुका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय को 121 टैबलेट मिले थे, इनका वितरण भी शुरू हो चुका है। बाकी छात्र छात्राओं के लिए जब टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा तत्काल वितरित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं इन लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, जैसे ही आगरा यूनिवर्सिटी में टैबलेट स्मार्टफोन आएंगे आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका जो टैबलेट है स्मार्टफोन है वो आ चुका है, आप लोग यहाँ पर आके अपना ले सकते हैं। और आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाने वो तो लेके जाने पड़ेंगे, आधार कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था पहले ही। ADM प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम ने बताया कि चरण में 2000 स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण कराने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें से हजार हजार टैबलेट स्मार्टफोन
1000 स्मार्टफोन और 1000 टैबलेट थे, ठीक है। करीब 250 का वितरण अभी होना है, सोमवार को इन्हें भी बंटवा दिया जाएगा। तो ये अपडेट आपको लिए यहाँ पर आ रहा है, आज यहाँ पर बट जाएगा। जिनके पास मैसेज आया वही लोग यहाँ पर जाने वाले हैं और उनको यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट है। अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, काफ़ी सारी अपडेट्स आप लोगों के लिए आ रही हैं। जैसे ही अपडेट आएगी तो आपको तुरंत पता लग जाए, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन वहीं से आता है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी चीज़ों की मैं न्यूज़ प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं लिंक वगैरह या फिर PDF वगैरह जो भी ऑफिशियल नोटिस आता है वो आप पर मैं सेंड करता रहता हूँ, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।